अहम खबर से आपको आगाह करते चलेंगे। पहला शहीद मुर्तजा बलोच यादगारी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच अल कासिम क्रिकेट क्लब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक रन से जीत लिया। डिमलोटी 8 नंबर में खेले हुए फाइनल में अलवेज के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। अल कासिम क्रिकेट क्लब ने मुखरा 10 ओवर में 150 रन का हदफ दिया। अलवेज की टीम ने टारगेट चेज करते हुए शुरुआत में अच्छा आगाज फराहम किया। फाइनल मैच के आखिरी ओवर में सनसनीखेज मरहले में शामिल हो गया, जबकि आखिरी ओवर में 13 रन दरकार थे, लेकिन अलवेज की टीम आखिरी ओवर में एक रन से मैच हार गई। अल कासिम क्रिकेट क्लब ने एक और फाइनल जीतकर अपने नाम कर दिया। फाइनल मैच के मेहमान खास यूसी दसाना जन्ना के वाइस चेयरमैन मुर्तजा यार मोहम्मद बलोच, चेयरमैन नबी बख्श पालारी, एमपीए यूसुफ बलोच के छोटे भाई हयात मुर्तजा बलोच, एमपीए सादे जोकी के फर्जन वादे जोकी, अकील पालारी, मुस्लिम बलोच, नवीद कलमती, रसूल बख्श बलोच, दीगर मेहमानों ने रन और विनर टीमों के खिलाड़ी में इनामात तकसीम किए। आखिर में टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन मास्टर सलेमान बलोच ने तमाम मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक व शील्ड के तोहफे पेश किए।